और रूस यूक्रेन जंग से एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के निकोपोल शहर में रूस का जबरदस्त अटैक। रूसी हमले के बाद निकोपोल में आग की लपटें उठने लगी। निकोपोल पर बड़ा अटैक किया है रूसी हमले ने, जिसके बाद वहां आग की लपटें देखने को मिली। निकोपोल में रूस ने कई हमले किए हैं ताबड़तोड़। क्या पुतिन रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के दावे को जमीन पर उतार रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर 9/11 की तर्ज पर ही लगातार हमला बोल रहे हैं। क्रिमिया हमले को आतंकी हमला करार देने के बाद रूस यूक्रेन पर लगातार मिसाइल बरसा रहा है। यूक्रेन के जंगी मैदान से जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं वो निकोपोल शहर की हैं, जहां पुतिन की सेना ने रात के अंधेरे में जबरदस्त अटैक किया है। ये हमला इतना जोरदार था कि निकोपोल में आग की लपटें नजर आई। यूक्रेन के 12 शहरों को दहलाने के बाद अब रूस यूक्रेन के दूसरे शहरों को निशाना बना रहा है, लेकिन तबाही के दौर में यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना रूस पर लगातार काउंटर अटैक कर रही है। यूक्रेन रशियन टैंक पर लगातार निशाना साध रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और इन्हें तबाह कर रहा है। बताया जा रहा है कि जर्मनी से मिले एंटी टैंक माइंस की मदद से यूक्रेन रूस पर अटैक कर रहा है। इस बीच जर्मनी ने यूक्रेन को विध्वंसक एयर डिफेंस सिस्टम भी सौंप दिया है। जर्मनी ने इरिस टी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हवाले कर दिया है। विध्वंसक होते जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि 11 अक्टूबर को रूस ने 28 मिसाइलें दागी थी, जिसमें से यूक्रेन ने 20 मिसाइलों को मार गिराया था। आक्रामक पुतिन ने यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार किए, लेकिन सवाल है क्या सुपर पावर अमेरिका के जरिए बातचीत से किसी तरह का कोई हल निकाला जा सकता है? इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा, 60 सेकंड में इस रिपोर्ट में आइए आपको बताते हैं। क्रीमिया के बाद यूक्रेन पर हुए रूसी हमलों ने पश्चिम देशों को एक बार फिर से अलर्ट कर दिया है। इन हमलों ने यूक्रेन को मदद देने के मुद्दे पर यूरोपीय देश को फिर से सोचने पर मजबूर किया है। रूस के 15% इलाके पर कब्जा करने के बाद पुतिन अब बातचीत का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पुतिन से बात करने के मूड में नहीं है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका पुतिन से मिलने का कोई इरादा नहीं है। वो रूस से यूक्रेन को लेकर कोई बात नहीं करना चाहते। ये पुतिन पर निर्भर करता है कि वो किस मुद्दे पर संवाद करना चाहते हैं। इससे पहले 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 समिट के दौरान पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की संभावना जताई जा रही थी। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने पुतिन और ज़ेलेंस्की के इसमें शामिल होने की पुष्टि की थी। खुद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने बाइडेन से पुतिन की अलग से मुलाकात पर विचार करने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका के तेवर से साफ है कि फिलहाल पुतिन और बाइडेन की मुलाकात के आसार बहुत कम हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त वार पलटवार जारी है। कभी क्रिमिया ब्रिज धमाके से दहल उठता है तो कभी कीव पर मिसाइल की बम वर्षा होने लगती है। अब जानकारी सामने आ रही है कि यूक्रेन की आर्मर्ड फोर्स ने रूसी सैन्य ठिकानों पर तोचका यू मिसाइल से हमला किया है। पहले क्रीमिया के केर्च ब्रिज पर विध्वंसक प्रहार, फिर कीव पर रूस की ओर से की गई घातक मिसाइल स्ट्राइक। हर तरफ बरपा सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी का खौफनाक मंजर। सवाल है क्या अब आने वाले दिनों में युद्ध की ये चिंगारी और ज्यादा भड़कने वाली है, क्योंकि रशियन अटैक का जवाब देने के लिए यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेज ने रूसी सैन्य ठिकाने पर तोचका यू मिसाइल से हमला किया है। इस मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा आयरिस टी और नेसाम्स डिफेंस सिस्टम की नई खेप भी यूक्रेनी फौज को मिली है, जिसका इस्तेमाल वॉर जोन में किया जा रहा है। ये वो घातक मिसाइल हैं जो पहले भी कई बार रूसी सेना को युद्ध के मैदान में खदेड़ चुकी हैं। ऐसे में एक बार फिर यूक्रेन की तरफ से इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जंग के मोर्चे पर लगी आग पहले से ज्यादा सुलगने वाली है, जबकि पुतिन कुछ दिनों पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया तो जिस तरह कीव पर हमला किया गया उससे भी ज्यादा बड़ा हमला किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।